वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, इससे पहले का ब्लॉग तो आपने देख ही लिया है कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है। तो मैं जाने वाली हूँ आज अपना लुक चेंज करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि दी लुक चेंज करो, बहुत बोर हो रहा है, बहुत बोर हो रहा है। मैं खुद भी बोर हो रही थी यार, बट क्या है कि आपको भी पता है सिचुएशन क्या थी कि घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी, इतना घर में ही इतने सारे काम थे कि कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर इतना ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो तबीयत भी साथ नहीं देती है, तो इसी वजह से वो तो कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे लुक वगैरह चेंज करना तो छोड़ ही दो, बाकी का भी नहीं हो रहा था। अभी सोचा कि चलो अभी प्रोग्राम भी है घर पे और मतलब मौका है, इसी वजह से मैंने सोचा चलो मैं लुक चेंज कर लेती हूँ अपना। और काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि करवा लूँ, वहाँ पर जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। भैया से अपॉइंटमेंट ले ली है मैंने, तो भैया ने बोला था 12 बजे हो, बट अभी बहुत लेट हो गया है, अभी तो 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बजे जा रही हूँ मैं वहाँ पर। तो चलो कोई बात नहीं, दोपहर के 3 बजे इसीलिए भी जा रही हूँ कि भीड़ नहीं रहेगी, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा, तो इसीलिए और सब काम खत्म करके अभी जा रही हूँ। और दीदी घर पर है तो घर का भी टेंशन नहीं है। आप लोग बोलोगे, अभी सबसे पहले वही बता देती हूँ आपको, अगर आप सोच रहे हो कि दीदी को क्यों नहीं लेके आई, तो दीदी को तो आपने देखा ही है कि दीदी कैसे रहती है, दीदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है एकदम स्टाइलिश रहना और मॉडर्न रहना, बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। एक्चुअली उनके खुद के रियल सिस्टर का पार्लर है, बट वो कभी भी पार्लर का कुछ भी नहीं करती है, मतलब पहले से ही वो एकदम सिंपल है, शादी है, तो इसी वजह से उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़ें। और अभी मैंने उनको बोला भी कि साथ में चलो, तो वो भी उनको नहीं आना था, बोले कि बच्चों को देख लेती हूँ मैं, तो इसी वजह से वो घर पे ही है। तो चलिए अभी निकलती हूँ, मतलब निकल चुकी हूँ, वहाँ पर जाके दिखाती हूँ आपको मैं क्या करने वाली हूँ। गाइस पहुँच गए यहाँ पे, बस अभी जाके आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। कौन सा ये? क्या नाम है इसका? कॉपर गोल्ड डार्क ब्लॉन्ड, ठीक है ये ना जी। तो फिर उसके बाद फिर वो स्ट्रिप्स आएंगे? नहीं, उसी टाइम पर जो स्ट्रिप आएंगे, हाँ, फिर ये कलर अप्लाई होगा उसके ऊपर। अच्छा, तो गाइज यहाँ पर मैं हाईलाइट करने वाली हूँ अपने बाल, और जो कलर मैंने आपको दिखाया वो कलर करने वाले हैं। एक्चुअली भैया पहले स्ट्रिप्स मतलब कलर करेंगे और उसके बाद फिर वो कलर होगा जो मैंने आपको दिखाया, वो कलर होगा उसके ऊपर। तो कैसे करेंगे वो तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा स्टेप वाइज दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो, मतलब आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है, क्या होता है। और थोड़ा सा मुझे भी बहुत ज़्यादा लुक बोर हो गया था मेरा, तो इसी वजह से थोड़ा सा लुक चेंज करना था, तो इसीलिए मैंने, और बहुत दिनों से मन था, पहले पिछली बार मैं आई थी ना यहाँ पे जब स्मूदनिंग करवाने, तब भी मैंने भैया को बोल के रखा था कि मुझे ऐसा ऐसा कलर चाहिए बालों को, बट उसके बाद हम लोग घूमने गए, उसके बाद फिर आपको तो पता ही ये रिनोवेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि आना ही नहीं हुआ। फाइनली अभी डिसाइड कर लिया कि चलो जाती हूँ, घर से निकलना ही नहीं होता है यार, घर से निकलती हूँ तो फिर बाद में हो जाता है सब कुछ। और हाँ, आप लोग पूछोगे कि कौन सा सलून है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये फैशन सलून है जो एम्पायर मॉल में है, एम्पायर मॉल का फैशन सलून। एक्चुअली भैया पहले दूसरी जगह पे थे, मैं उनसे ही करवाती थी वहाँ पर भी, और अभी खुद का उन्होंने डाला है, तो ये मैंने पिछले बार भी आपको बताया, अगर करवाना हो तो बहुत रिजनेबल रेट में आपको यहाँ पर अच्छे से कलर भी आपको मिल जाएगा, और मतलब बाकी जगह से तो अच्छा ही है, यहाँ पर रेट भी अच्छा है और सर्विस भी अच्छी है, भैया बहुत अच्छा करके देते हैं। अगर आपको करवाना है तो यहाँ पर आ सकते हो, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइज, बट मुझे पर्सनली इनकी सर्विस अच्छी लगती है, और भैया जो करके देते हैं ना, मतलब मुझे अच्छा लगता है, जैसे भी वो अपने खुद के हिसाब से करते हैं, बट मुझे जब फाइनल रिजल्ट मिलता है ना, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि नहीं यार अच्छा हुआ है, जो भी पैसे हम लोगों ने दिए हैं वो वसूल हो गए हैं। तो ऐसे इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। और आप लोग पूछते हो तो एड्रेस भी पहले ही बता दे रही हूँ, तो एम्पायर मॉल तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बडनेरा रोड पर एक एम्पायर मॉल है जिसमें पैंटलून्स का शोरूम है, अगर आपको पता है तो वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर सेकंड या सेकंड फ्लोर पे ही भैया का फैशन सलून है, सेकंड फ्लोर पे, और इनका सुनील भैया नाम है, तो आप जाके उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं दे दूँगी आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो। और आप लोग पूछोगे कि अभी इसका कितना लिया, तो उन्होंने मुझसे चार्ज लिया है इसका 4000, क्यों ये भी बता देती हूँ आपको। अगर आप स्ट्रिप्स करवाते हो, सिर्फ स्ट्रिप,
तो उसके आपको 2000 लेंगे वो, मतलब आपके लेंथ के अकॉर्डिंग भी होता है। मेरे लेंथ के अकॉर्डिंग उन्होंने 2000 बोला था मुझे सिर्फ स्ट्रिप्स करवाने का, और उसके बाद उनको दो कलर लगाने पड़े तो इसी वजह से उन्होंने 4K लिए, मतलब 4000 लिए। एक्चुअली अगर आपको ऑम्ब्रे वगैरह भी कराने हैं ना, जैसे मैंने पहले करवाए थे, गोल्डन ऑम्ब्रे थे मेरे पहले वाले हेयर, तो वो पूरा कलर निकल गया था ऐसा कि नीचे नीचे जाते हैं तो फिर हम लोग हेयर कट वगैरह कराते हैं तो इसी वजह से निकल जाता है वो कलर। फिर गोल्डन वैसे भी रहता है, उससे पहले मैंने रेड ऑम्ब्रे किए थे तो वो तो भी बहुत जल्दी निकल गया था। गोल्डन तो हमेशा के लिए रहता है, इसी वजह से गोल्डन, अगर आपको ज़्यादा कलर में पैसा वेस्ट नहीं करना है तो गोल्डन कलर आप चूज़ कर सकते हो। गोल्डन हमेशा के लिए रहेगा, जब तक आप हेयर कट नहीं करोगे तब तक आपका कलर रहेगा ही। और यहाँ पर मेरा कलर होके रेडी है, मतलब यहाँ पर ब्लो ड्राई कर रहे हैं, उसके बाद का रिजल्ट आप देख ही लेना। कार वॉश करायला गेले होते की हे करायला? वाह दोन्ही काम झाले। ये कार वॉश करके आ गया और बताया भी नहीं आपने। तो देखो मास्क मैंने अंदर रख दिया पर्स में, यहाँ पर है इसके अंदर मास्क है। और हाँ ये बताओ मुझे अभी क्या लुक कैसा लग रहा है? लुक तो एकदम सुपर लग रहा है, बोलने की जरूरत ही नहीं, देखने से पता चल रहा है। आपके सब्सक्राइबर को पूछना अभी। हाँ तो आप बताइए यार, सब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बट आप लोग बताइए अभी न्यू लुक कैसा लगा? कितने दिनों से आप लोग बोल रहे थे दी लुक चेंज करो, हेयर कट चेंज करो। तो हेयर कट भी करा लिया और कलर भी करा लिया, तो कैसा लग रहा है जरूर बताना। अभी थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने का ट्राई किया है, मतलब कलर अभी डिफरेंट थोड़ा सा। कैसा लग रहा है कमेंट करके जल्दी से बताइए। अभी घर पे जाके जिठानी का रिएक्शन देखते हैं। अभी हस्बैंड का रिएक्शन तो हमेशा ही देखती हूँ, बट आज दीदी का रिएक्शन देखते हैं। हाँ दीदी क्या सोचती है इस कलर के बारे में? अब दीदी भी अच्छी सोचेंगे और नहीं, दीदी को भी अच्छा लगेगा, दीदी को भी अच्छा ही लगने वाला है, बट देखते हैं अभी घर पे जाने के बाद पता चलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। मुझे भी पसंद आया। पसंद आया ना, बस आप खुश है तो फिर क्या। तो चलो घर पे जाके मिलती हूँ गाइज आपसे। गाइज आ गई हूँ मैं घर पे, अभी सबका रिएक्शन देखती हूँ। सबसे पहले तो दीदी का रिएक्शन खूप अति अति हाँ बर ठीक है। हाँ अद्विक कैसे वाटते बेटा? ये अद्विक के भाग लेगा। हाँ अद्विक कैसे लग रहे हैं जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा 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 मेरे बाल को। हाँ और माही बहुत 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 माही ने तो आते ही बोल दिया मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। संकेत आपको कैसे लगे? फैंटास्टिक। देखो सबको अच्छे लगे। मंथन कहाँ है मंथन? कैसे? अरे आपके बाल दिखाने के लिए एक मिनट मैं मंथन को दिखाती हूँ। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं अभी बताओ। एक नंबर। एक नंबर। मंथन गेम खेल रहा था। एक नंबर सच्ची। हाँ मस्त आर्ट है। हाँ देखो सबके रिएक्शन अच्छे थे। मैंने सोचा दीदी बोलेगी कि ये क्या फॉरेनर जैसा करके आई हो, बट अच्छा बोल रही है दीदी। खरच चलो दीदी को पसंद आया, मंथन को पसंद आया और सबको पसंद आया। सबसे पहले मुझे दीदी का ही रिएक्शन देखना था। दीदी का रिएक्शन बहुत अच्छा रहा, मतलब दीदी को पसंद आया। दीदी को भी करने लेके जाना। हाँ चल संगा करायला खरच। हेयर कट, हेयर कट नहीं। हाँ तो हेयर कट भी नहीं बोल रही है दीदी और ये भी नहीं। तो चलो फिर गाइज इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
आपने अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, माही की चंपी चल रही है। बट आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो एकदम जबरदस्त लग रहा है यार। चलो, अरे नया कुछ देखने के लिए मिला ना आपको इतने दिनों के बाद, अच्छा लग रहा है। चलो फिर गाइस, हाँ ये नहीं कुछ, तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय। जल्दी भूल जाएंगे, बाय जल्दी भूल जाएंगे।